है और ये धागा है, तो हम इसे ऑसिलेटरी मोशन कराने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन है, तो इसे छोड़ते हैं यहाँ पे गया, वापस गया, वापस आया, वापस गया, ये हो रहा है कंटिन्यूसली, ये हो रहा है। तो टू एंड फ्रो इमोशन को कहेंगे हम ऑसिलेटरी मोशन। दूसरी बात, एक और चीज होती है वाइब्रेशनल मोशन, है ना। तो हम अगर ये स्ट्रिंग को पकड़ के और ये यूं करते हैं तो वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है, ठीक, मगर यहाँ ऑसिलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी धीरे 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 होगी, मतलब यूं 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 इस तरीके से हो रहा है, मगर यहाँ पे बहुत तेज होता है। तो वाइब्रेशन मोशन में फ्रीक्वेंसी तेज है और ऑसिलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी धीरे है, तो ये थोड़ा सा समझने की बात है, ठीक।